नमस्कार दोस्तों, चलिए 19 सितंबर 2019 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में दीपक पुनिया किस स्थान पे पहुंच गए। तो यहाँ पर दीपक पुनिया पहुंचे हैं पहले स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 86 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है दीपक पुनिया ने। और अगर आपको याद हो तो इस वर्ष जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में किया गया था, वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता था। और अगर हम बजरंग पुनिया की बात करें तो 65 किलोग्राम वर्ग में अभी तक ये शीर्ष स्थान पे थे, लेकिन अब ये शीर्ष स्थान पे नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज कोनोटोरी 8 लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, तो उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो परिवहन अंतरिक्ष जहाज होगा जिसका नाम है कोनोटोरी 8, इसका मुख्य रूप से काम होगा कि ये हमारी पृथ्वी से जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, यानी कि जिसका निर्माण रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसियों ने साथ में मिल करके किया है, वहाँ पर ये सामान को ले जाएगी। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसका नाम है जापान एरोस्पेस एजेंसी, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के साथ मिल करके यूनिसेफ ने टिक्की मौसी नामक शुभंकर का अनावरण किया। तो ये कल का प्रश्न था, इसको मैंने गलत बता दिया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर असम नहीं उड़ीसा होगा। और ये अभियान शुरू किया गया है यूनिसेफ के साथ में मिल करके बच्चों और महिलाओं में पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 12 एस्ट्रोनॉट को किस देश में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। तो गगनयान प्रोजेक्ट जिसकी पहले डेट थी 2022, तो अब इसे दिसंबर 2021 में ही लॉन्च किया जाएगा। और इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट तो इसमें होगा जो कि शुरू होगा कब, मानव रहित होगा, जो कि दिसंबर 2020 में होगा, और मानव जिसमें जाएंगे वो होगा दिसंबर 2021 में। केयर के माध्यम से ये किया जाएगा, यानी कि एक हमारा कैप्सूल होगा जिसमें लोग जाएंगे और अंतरिक्ष में रहेंगे। तो 12 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है यहाँ पर रूस में, और रूस में इन 12 लोगों की एक महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में 4 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे और फाइनली इन्हीं 4 लोगों को भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने। तो भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख यहाँ पर बने हैं HS अरोरा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको याद होगा कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि उपप्रमुख थे पहले, अब ये वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं, क्योंकि वायुसेना के जो प्रमुख थे BS धनोआ, ये रिटायर हो जाएंगे 30 सितंबर को रिटायर होंगे। तो इनके स्थान पर नए प्रमुख बन जाएंगे RKS भदौरिया, और उप प्रमुख कौन बनेंगे HS अरोरा। करमबीर सिंह भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं, और MM नरावने ये वर्तमान में जो हमारी थल सेना है उसके उप प्रमुख हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश किसे चुना गया। तो यहाँ पर मेजबान देश था अपना देश भारत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कल के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, क्योंकि 1970 में जो गाइडलाइंस थी इनकी उसे लागू किया गया था 27 सितंबर को, इसीलिए 27 सितंबर का दिन इन्होंने चुना है। तो मेजबान देश था भारत, और भारत के द्वारा यहाँ की राजधानी दिल्ली में इसके लिए आयोजन भी किया गया। थीम आपको जो याद रखनी है, थीम इसकी है पर्यटन और नौकरियां, सबके लिए बेहतर भविष्य। और संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि भारत व कजाकिस्तान के बीच में काज इन 2019, जो कि एक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा पिथौरागढ़, जो कि है उत्तराखंड में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयोजन इसका 3 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। ये इसका चौथा संस्करण होगा, और यहाँ पर मुख्य रूप से आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के लिए पहाड़ों पर किस प्रकार से अभ्यास किया जाए, ये
दोनों देश की सेनाएं यहां पर करेंगी और दोनों देशों के 100-100 सैनिक इसमें भाग लेंगे। विशाखापट्टनम की बात हुई है तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो टाइगर ट्रायम्फ नाम का युद्ध अभ्यास होगा, जिसका पहला संस्करण होगा नवंबर में, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में भारत व यूएसए के बीच में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदू आर्थिक मंच की शुरुआत किस शहर में हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है मुंबई में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27 से लेकर के 29 दिसंबर यानी कि 3 दिवसीय आयोजन होगा और इस आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे निवेशक, नीति निर्माता, ये सारे लोग शामिल होंगे। थीम इसकी है समाज को समृद्ध बनाना, यानी कि प्रॉस्पेरिटी फॉर कम्युनिटी, और स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा ये जो विश्व हिंदू आर्थिक मंच है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत पर्यटन में ओवरऑल ग्रोथ के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है, तो यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है आंध्र प्रदेश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति M.B. नायडू के द्वारा यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। सामान्य तौर पर जो भी पुरस्कार हमारे देश में दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये दिया गया उपराष्ट्रपति M.V. नायडू के द्वारा और विभिन्न श्रेणियों में यहाँ पर कुल मिलाकर के 76 पुरस्कार दिए गए। तो जो आपको याद रखने हैं कि पर्यटन में ओवरऑल ग्रोथ के लिए मिला है आंध्र प्रदेश को, इसके अलावा गोवा व मध्य प्रदेश को साहसिक पर्यटन श्रेणी में संयुक्त विजेता यहाँ पर घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है अमरावती, राज्यपाल यहाँ के हैं B.B. हरिचंदन, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत फिल्म निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत भी मिला था, किसे, उत्तराखंड को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रति वर्ष पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और एक राज्य का नाम आपको जो और याद रखना है वह है तेलंगाना। तेलंगाना को यहाँ पर IT के क्षेत्र में नवाचार के उपयोग के लिए पुरस्कृत किया गया है। उत्तराखंड राज्य की बात हुई तो राजधानी देहरादून है, राज्यपाल यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पुण्यभूषण अवार्ड को जीता या किसे पुण्यभूषण अवार्ड से नवाजा गया, तो पुण्यभूषण अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया है डॉक्टर G.B. देगलुरकर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो G.B. देगलुरकर के बारे में बात करें तो ये भारत के एक पुरातत्वविद हैं और पुरातत्व के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हें उपराष्ट्रपति M.B. नायडू के द्वारा पुणे में एक समारोह के दौरान आयोजित किया गया। और पुण्यभूषण किसी का नाम नहीं है, आपको ये याद रखना है कि पुण्यभूषण का मतलब होता है पुणे का रत्न, यानी कि ज्वेल्स ऑफ पुणे, और पुण्यभूषण फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश चितुरी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में किस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, तो यहाँ पर दो संगठन, एक तो है क्वाड, जिसमें कौन कौन है, एक तो है भारत, दूसरा इसमें है जापान, फिर है USA और तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन हो गया, भारत, इसके अलावा जापान हो गया, इसके अलावा USA हो गया और फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये है क्वाड ग्रुप। और एक है ब्रिक्स, जिसमें कौन कौन है, ब्राज़ील है, रूस है, इसके अलावा इंडिया है, फिर चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इन दोनों समूहों के जो भी विदेश मंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FX पाइल नाम से केंद्रीय बॉन्ड किस बैंक द्वारा शुरू किया गया, तो ये जो केंद्रीय बॉन्ड है इसे शुरू किया गया है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड का एक बैंक है जिसकी स्थापना 17 मई 1930 को हुई थी और मुख्यालय इसका है बेसल स्विट्जरलैंड में। बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है, बॉन्ड का नाम है FX पाइल और ये मुख्य रूप से एक ग्रीन बॉन्ड है।
कैसा है? एक ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड उस प्रकार के बॉन्ड होते हैं जिनमें मुख्य रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यानी पर्यावरण के अनुकूल इन बॉन्ड को जारी किया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है मसाला बॉन्ड, जिसका नाम भी आपने सुना होगा। तो मसाला बॉन्ड मुख्य रूप से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको भारत के बाहर जारी किया जाता है लेकिन भारतीय मुद्रा में। तो ये होते हैं मसाला बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है USA को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अपना देश भारत इस सूची में 44वें स्थान पर रहा है। 2018 में इसका स्थान था 48वां, यानी कि भारत ने यहाँ पर 4 स्थानों की छलांग लगाई है। ये जो सूची थी 63 देशों पर आधारित थी और किसके द्वारा जारी किया गया? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के द्वारा इसे जारी किया गया। किन चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर किया गया है? कि उस देश के में डिजिटल नवाचार का ज्ञान कितना है, डिजिटल प्रौद्योगिकी का ज्ञान कितना है और भविष्य को लेकर के किस प्रकार की तैयारियाँ हैं डिजिटल लिटरेसी को लेकर के, इसी के आधार पर इसे जारी किया गया। तो यहाँ पर USA है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और स्वीडन यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रचार को रोकने के लिए भारत के साथ अन्य कितने देशों ने समझौता किया है? तो यहाँ पर भारत के साथ साथ अन्य 19 देशों ने समझौता किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत को लेकर के टोटल देशों की संख्या हो जाएगी 20 और यह जो समझौता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा कंडक्ट कराया गया और कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिषद द्वारा आयोजित सर्वे में भारत के किस एयरपोर्ट ने अवार्ड जीता है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है कोचीन एयरपोर्ट, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो अवार्ड मिला है कोचीन एयरपोर्ट को, इसे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है और 5 से 15 मिलियन की जो कैटेगरी थी यानी कि 50 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक के यात्री जहां पर आते हैं उनके श्रेणी में इसे ये अवार्ड मिला है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जैक सिराक, इनका निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे? तो ये थे फ्रांस के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इनके द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नोएडा में, उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया और ये जो आदि महोत्सव होता है इसमें जो भी जनजातीय समुदाय हैं उनके द्वारा जो निर्मित कला होती है, पेंटिंग होती है या पेंटेड कपड़े होते हैं या फिर गहने होते हैं, इन सारे चीज़ों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। थीम क्या है? तो थीम है ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर क्राफ्ट क्यूसाइन एंड कॉमर्स। तो ये इसकी थीम है जिसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महात्मा गांधी के 80 वर्ष पुराने पत्र का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है इजराइल में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इजराइल का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वहाँ पर इस पत्र का अनावरण किया गया है। अब ये जो पत्र है इसको महात्मा गांधी ने 1 सितंबर 1939 को लिखा था और 1939 में ही विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय इस पत्र को महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे ज्यूनिस्ट संघ के रोस हसना को लिखा गया था और इस पत्र में इन्होंने जो जुई समुदाय रहती है इजराइल को, उन्हें विश्व युद्ध के शुरुआत में एक शुभकामना दी थी शांति के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जिनका नाम है लांस क्लूजनर, ये किस देश के प्रमुख कोच बने हैं? तो ये नए कोच बने हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके अलावा किरण मोरे बने हैं USA के कोच और पाकिस्तान के नए कोच बने हैं मिसबाह उल हक, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आइए जान लेते हैं। PV सिंधु को बीजा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद में जो बराह है इसे चेन्नई में बेसल किया गया और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
एशियाई विकास बैंक ने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ दर थी इसको कम करके 6.5% कर दिया है। मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना दिल्ली सरकार की है और रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी इस पुस्तक का अनावरण किया हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने और ये सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। दूसरा प्रश्न है कि गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन का सहयोगी देश कौन सा होगा। चौथा प्रश्न है कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान में से किसका उपनाम बाहुबली है। और पांचवा प्रश्न है कि इसरो द्वारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का निर्माण कहां पर किया जाएगा। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।